सब्सक्राइब कीजिए बुड बग जैसे यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। देख रहे हैं अपना बुड बजट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मॉडलर किचन, जैसे आपको मार्बल में बनानी है जो हमारे पार्टीशन बनाए जाते हैं वो किस हिसाब से बास्केट के हिसाब से जो साइज छोड़े जाते हैं तो किस हिसाब से छोड़ना चाहिए। इसमें होप वाला जो चूल्हा होता है अपना गैस का, तो उसको कितना एरिया उसका जो जगह है किस तरीके से छोड़ी जाती है, इसमें आप स्पेस दे सकते हैं। इसमें जगह के बारे में मैं आपको इसमें साइज़ बताऊँगा किस तरीके से इसमें बनाया जाता है। जो हमारी मॉडलर किचन पत्थर में बनाई जाती है उसमें इनोटेक बास्केट लगती है, तो उनके जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं तो आप इस वीडियो में दे सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको चलेगा। अगर आप चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें कि आने वाली वीडियो नोट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो प्रॉपर देखना, वीडियो देख सकते हैं। जैसे ये किचन है, इसको जो बनाया किस तरीके से बनाया, इसका जो साइज़ है साइज़ के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा और इसमें मार्किंग किस तरीके से करी जाती है, जैसे कि आपको बनाना तो किस हिसाब से बनाना चाहिए। तो इसका जो साइज़ है साइज़ के बारे में, जैसे कि हमारा होप वाला चूल्हा, तो उसके बारे में भी बताऊँगा आपको किस तरीके से बनाया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे मॉडलर किचन बनानी है पत्थर वाली, तो ये जैसे कि पुरानी किचन थी, तो इसमें अपने जब वुडन के हमारे जो बॉक्स थे उसको हटा के मार्बल का किचन बनाया जाता, तो इसमें किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे अगर आपको जैसे वुडन में है, तो वुडन में क्या दिक्कत होती है, इसको हम क्यों निकालते हैं और इसमें अपने जो बनाते हैं पत्थर में हमारा वाटर प्रूफ दीमक प्रूफ इस प्रकार हो जाता। और इसमें जैसे कि आपका वाटर प्रूफ नहीं होता है, इसमें जैसे वुडन, जैसे आपने देखा होगा वुडन में दिक्कत ये रहती है कि इसमें दीमक लग जाती है, अगर पानी इकट्ठा होता रहता है तो वहाँ से गलना शुरू हो जाता है। तो इसमें बोर्ड तो वैसे अपने हमारे वाटर प्रूफ भी आ रहे हैं, काफ़ी तरह के बोर्ड आ रहे हैं, तो उसमें भी बनाते हैं। बाकी आपका जो अपना पैसे का आपको देखना है कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो उसमें जैसा किचन बनाना आपको, तो उसमें अच्छे तरीके से आपका किचन बन जाना चाहिए। किचन का जो हमारा जैसे मटेरियल इसमें लगता है और इसमें जैसे हमारी कॉस्ट आती है, काफ़ी महंगी किचन बन जाती है। अगर आप किचन बनाते हैं अच्छे डिज़ाइनर मॉडल किचन बनाते हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है। तो मैंने जो ये वीडियो बनाया है, इसमें जो मैंने बताया है, तो आपको इसलिए बताया कि इसमें जैसे आप मार्बल का बनाते हो किचन, तो उसमें आपका आसान रहता है और उसमें आपका तरीका ठीक रहता है, जैसे कि आपका कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए किचन में। जैसे वुडन, जो हमारे वुडन होता है, डोर्स में दीमक नहीं लगती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ये देख सकते हैं, अगर आपको जैसे पत्थर की किचन बनानी है, इसका जो मार्किंग निशान लेना है आपको किस प्रकार लेना चाहिए वो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे निशान लगाए जाते हैं, तो इससे पहले स्टेप बनाना होता है, जो हमारा प्लेटफार्म होता है तो वो 2.5 इंची हाइट में बनाया जाता है, जो फर्श है 2-2.5 इंची। आप देख सकते हैं बास्केट को साइड लेना, आपको इस प्रकार लेना, जैसे पेंट्री यूनिट साइड में लगाना है तो इसके लिए आपको 2 फुट जगह छोड़नी होती है साइड में। पेंट्री यूनिट हमारा 20 इंची का भी बनता है, बाकी आपको 2 फुट जगह छोड़नी है जो हमारी 600 mm होती है। उसके बाद अपना जैसे बास्केट लगानी है आपको, बास्केट के जो साइज़ होते हैं, तो हमारे बास्केट के साइज़ के हिसाब से हमें चलना होता है, तो इसके अंदर का जो हमें साइज़ रखना होता है तो वो साइज़ रखे जाते हैं हमारे 22.5 इंची। 600 mm वाली बास्केट में 22.5 इंची, अगर आपका 750 mm की बास्केट है तो उसमें 28.5 इंची, इस तरीके से साइज़ रखे जाते हैं। तो ये जो साइज़ हमारे नापे जाते हैं बाहर से, बाहर जो हमारा फ्रंट होता है उसके नापे जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मार्किंग इस तरीके से लगानी है। अगर आपको जैसे पत्थर की किचन बनानी है, पत्थर की किचन जो होती है इसमें आपका मटेरियल कभी भी ख़राब नहीं होगा, जिसमें कि आपका जैसे पानी से धोते भी हो किचन। हमारा जो इसमें वुडन वर्क का किया जाता है, जो मॉडलर किचन बनाते हैं वो पैसा वेस्ट करने की बात होती है, जैसे कि इसमें हम वुडन के नीचे का बॉक्स बना देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें पत्थर के मार्बल के सेल्फ खड़े करके आप बना सकते हैं। बाकी अगर आप लुक वाइज के हिसाब से बनाते हैं तो पत्थर को सही तरीके से लगाना चाहिए, मान लेने इसमें आपका जो सही रहेगा। और इसमें ये रहता है कि आपका किचन कभी भी ख़राब नहीं होगा। जैसे बार बार आपका देखा होगा कि नीचे का जो बॉक्स होता है, जैसे कि हम जिसमें बास्केट लगाते हैं, वो 2 साल में 3 साल में ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इसमें आपका 100% वाटर प्रूफ रहेगा और दीमक प्रूफ रहेगा। कभी भी जो हमारे जो डोर्स होते हैं बाहर के, जो शटर होते हैं, उनमें दीमक नहीं लगता, पानी से ख़राब भी नहीं होते, क्योंकि उसमें पानी जो गिरता है, माइका लगा होता है दोनों साइड से, लैमिनेट जो होता है, हम PVC लगाते हैं या अपना एक्रेलिक लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं हम, तो उसमें ख़राब नहीं होता, उसमें पानी नहीं बैठता, टक्कर पर टेप लग जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जो पत्थर खड़े करने हैं आपको सोल में करने हैं, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, तभी बास्केट आपका ठीक लगेगा। जिसमें आपने देखा होगा कुछ भाई ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि बास्केट नहीं लगती पत्थर में, हम लगा कर देंगे बास्केट पत्थर में, किस तरीके से लगेगी, बास्केट नहीं हिलेगी, परमानेंट पक्का काम करके देंगे। मैं इसलिए इसमें बता रहा हूँ आपको पत्थर की, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपके पैसे वेस्ट हों।
आप जो किचन बनवा रहे हो तो उसमें पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें आपको किचन जो बनानी चाहिए हमेशा के लिए, जैसे कि आपने देखा कम से कम 10 से 15 साल तो चलना चाहिए किचन। जो हमारा किचन एक बार बनने के बाद उसमें ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 1-1.5 साल बाद जब दीमक लग गई, सीलन लग गई, उसे ख़राब हो रहा है, गल रहा है, क्योंकि स्क्रूज होते हैं हमारे, हम जॉइंट भी लगाते हैं, नीचे का जो बॉक्स होता है पानी की जगह। मैं आपको अक्सर यही बताऊंगा कि मार्बल की ही किचन बनवाएं, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पत्थर लगाने वाला सही मिस्त्री होना चाहिए, अगर नहीं मिलता आपको तो मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, लगवा सकता हूँ, आप पत्थर सही तरीके से लगवा सकते हैं। तो किचन में नीचे पत्थर के ही सही रहते हैं, और उसमें जो कहते हैं कि वुडन के ठीक रहते हैं, तो उसमें दिक्कत आएगी। अगर आपने किचन बना रखी है तो आपको पता भी चला होगा 2-3 साल में दिक्कत आई है, हमेशा पत्थर वाली किचन में दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके से बनाना आपको। तो इसमें ऐसा रहता है कि इसमें जैसे कि हम मेल फीमेल लगा के बास्केट लगाते हैं, वो मैं आपको उसका भी वीडियो बना कर दिखा दूंगा आपको किस तरीके से लगाया जाता है, और उसका जो लुक वाइज कैसा किचन बनेगा, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा हमारा फाइनल का, वो भी दिखाऊंगा। इसमें आपको मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पत्थर लगाए जाते हैं। नीचे आपने देखा इसमें हमारे नीचे कटिंग करके जो हमारा स्लैब होता है, जो हमारा स्टार्टिंग होती है, उसमें जो हमारा प्लेटफार्म होता है उसमें कटिंग करके इस तरीके से लगाया जाता है। पीछे हमारा दीवार में पत्थर में इसको मिलाया जाता है, ये देख सकते हैं ग्लैंडर से कटिंग करनी है आपको, इस प्रकार लगाना है, और आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये बैठना चाहिए अंदर की साइड, जिसमें कि आपका एलोराइड से आप चिपका सकते हैं, वो कभी भी नहीं हिलेगा, पत्थर परमानेंट पक्का हो जाता है। और उसमें जो ड्रिल करने में दिक्कत होती है, जैसे कि इसमें बास्केट किस तरीके से लगनी चाहिए, तो वो उसके लिए ड्रिल के बिट आते हैं, वो किस तरीके से होता है उसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे कि ऐसा वीडियो चाहिए। बाकी मैंने वीडियो बना रखा है उसका भी, किस तरीके से बास्केट लगती हैं, आप देख सकते हैं एलो राइट से चिपकाने होते हैं, और दीवार के अंदर आपका पत्थर में दबना चाहिए पीछे की साइड, पीछे बैक में ही पत्थर लगाने आपको। इसमें धोने में और आपका सफाई में सही रहेगा, जो बटन के आप उसमें लगा देते हो नीचे, जैसे कि आपको नीचे का बॉक्स, तो आपका उसमें ख़राब हो जाता है कुछ टाइम बाद, आपने देखा होगा 1-1.5 साल में मैंने कुछ किचन ऐसे देखे, बहुत जगह मैंने पत्थर के किचनों के रिक्वायरमेंट ही दिए, क्योंकि उसमें मैंने यही बोला कि आप पत्थर के बनवाओ नीचे से, मैं ये नहीं चाहता कि आपका पैसा वेस्ट हो। ये देख सकते हैं साइज़ तरीके से नापना आपको, जो बैक में और ऊपर अपना इस तरीके से साइज़ लेने आपको, और आप देख सकते हैं ये गुनिया में होना चाहिए साइज़ आपका, बदगुनिया नहीं होना चाहिए, अगर गुनिया में है तभी इसमें बास्केट लगेगी, आपका जो पत्थर लगाने वाला वो ठीक होना चाहिए, किस तरीके से लगाते हैं ये देख सकते हैं। तो इसमें मैं यही बोलूँगा कि आपको जैसे कि आपको लगाना है इसमें किस तरीके से लगाना चाहिए, उसका जो टॉप की हाइट रखनी है वो सारा कुछ दिखाऊंगा इसमें। अगर आपको जैसे जो हमारा होप वाला चूल्हा होता है उसका साइज़ भी बताऊँगा इसमें किस तरीके से साइज़ बनाए जाते हैं। ये देख सकते हैं इधर का साइड का सिंक की तरफ, ये जैसे सिंक की तरफ लगाना आपको, इस तरीके से लगाना कटिंग करके आपको नीचे, जो मैंने आपको दिखाया सोल में लगाने हैं, कटिंग करके नीचे बिठाना है, पत्थर नीचे से हिलना नहीं चाहिए तभी आपका मजबूत लगेगा। अगर आप जैसे किचन बनाते हो मॉडल किचन किस तरीके से बनाना चाहिए वो आप, जो अगर आपको जैसे पत्थर का काम करते हो अगर आपको नहीं लगाना आता तो इस प्रकार लगा सकते हैं, किचन बना सकते हैं। किचन के साइज़ में जो पत्थर में किस तरीके से बास्केट के साइज़ रखने चाहिए, तो जो हमारी बास्केट स्टार्टिंग हो जाती है 600 mm, 450 mm स्टार्टिंग जो होते हैं 450 से हो जाता है, तो इसमें मैं आपको 600 वाला ही साइज़ बताऊंगा, जिसमें कि आपका ठीक रहेगा साइज़, जो हमारे स्टैंडर्ड साइज चलते हैं इनोटेक बास्केट के। तो उसमें कोने का अगर आपको रखना है, जैसे उसमें स्पेस आपको कितना रखना चाहिए वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा किस तरीके से आपको रखना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिसमें कि नए नए जो वीडियो हम बनाते रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अच्छे अच्छे वीडियो का आप लोग उठाते रहें। तो ये देख सकते हैं जैसे कि आपको नलके की कटिंग करनी है, जैसे हमारे जहाँ पानी के पाइप की जगह है तो इस तरीके से कटिंग करनी है आपको, ये भी आपको सोल में लगाना, पत्थर सोल में लगना चाहिए, अगर टेढ़ा रहेगा पत्थर तो उसमें आपके दरवाजे में बास्केट लगाने में दिक्कत आ सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, सोल में लगना चाहिए। और आप देख सकते हैं आपको जो लगाना इस प्रकार लगाना, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि आपका जो होप वाला चूल्हा होता है उसकी कटिंग करनी है, इसका साइज़ कितना रखना चाहिए वो साइज़ में बताऊंगा, आप देख सकते हैं इसी में इस प्रकार कटिंग करके आप इसमें भी होप का चूल्हा लगा सकते हैं, वाला जो 4 बर्नर का चूल्हा होता है वो किस तरीके से लगाना है वो मैं इसका साइज़ भी आपको बता देता हूं। और इस तरीके से कटिंग करनी है, जो हमारा चूल्हा होता है चूल्हे को आप पहले मंगा लें, 600 mm का जो चूल्हा होता है आपका 24 इंची वाला, उसका साइज़ मैं आपको बताऊँगा कितना रखना है। और ये अपना जो पार्टीशन खड़े करने के बाद पत्थर जो ऊपर टॉप रखा जाता है, जिसके पार्टीशन खड़े करें उसी का ही पत्थर, उसी में का ही पत्थर आपको टॉप पर रखना, और ये भी चिपकाना है लोराइट से, इस तरीके से रखना है। और आप देख सकते हैं जैसे कि आप काउंटर का टॉप लगाओगे
तो ये कटिंग पहले करनी है आपको काउंटर के टॉप में, बाद में आप देख सकते हैं ये होप वाला चूल्हा इस तरीके से इसमें रखा जाता है। इसका जो साइज़ होता है वो भी साइज़ बताऊंगा आपको किस तरीके से साइज़ होते हैं, इसके कितने साइज़ का आता है और जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ चलता है वो किस तरीके से चलता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ के बारे में भी बताऊंगा आपको। और ये आपको इस तरीके से कटिंग करना, ये इसी के अंदर अपना आराम से आ जाता है और इसमें हमारी जगह वेस्ट नहीं होती है। अगर आप होप वाले चूल्हे की किचन बना रहे हैं तो डिज़ाइन कलर आपको चॉइस करना है, इसमें दूसरा चूल्हा नहीं लगा सकते अगर आपके काउंटर में हो वाले चूल्हे की कटिंग हुई। ये देख सकते हैं टैल में अपना इस तरह के पीछे की टैल लगानी, टॉप लगाना आपको इस प्रकार लगाना आपको। जो आपको पत्थर वाली किचन है किस तरीके से बनानी है वो आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। ये देख सकते हैं टैल इस तरीके से चिपकानी है आपको, पीछे की बैक लगानी है जो हमारी काउंटर टॉप के बाद, काउंटर टॉप लगने के बाद ऊपर की टैल लगाई जाती है। टैल की हाइट कितनी रखनी चाहिए ये आपको जो साइज़ रखने वक्त से हमारे जो ऊपर के होने चाहिए वो कितनी हाइट पर होने चाहिए काउंटर टॉप से, सबसे पहले आप इसका साइज़ देखें हमारे जो चूल्हे का किस तरीके से हमने इसका साइज़ रखा है और उसमें किस तरीके से इसमें बनाया साइज़। तो आपका जैसे होप वाला चूल्हा है तो उसका जो साइज़ आता है जैसे कि आपको लगाना है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए किस प्रकार होना चाहिए साइज़ हमारा। इसमें जैसे हमारा चार बंडल का होता चूल्हा, उसमें जैसे ये आपने देखा फेवर कंपनी का, फेवर का अगर आप किसी भी कंपनी का आप लेते हो तो उसका आपको जो लगाना है तो इस हिसाब से देखना अपना साइज़ जो हमारे रखे जाते हैं। तो इसका नीचे की जो हमारा साइज़ होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि इसके नीचे जो हमारा स्पेस होता है वो कितना होता है ये देख सकते हैं। इसमें जैसे ये हमारा ऊपर से हमने चूल्हा लगा दिया है, इसमें जो कटिंग करी है हमने इसका साइज़ ज़रूरी होता है मेन साइज़ 22.5 इंची वो 19.5 साइज़ आपको याद रखना कितनी कटिंग करनी होती है होप वाले चूल्हे की। जैसे चार बंडल का लेना अपना 600 mm वाला चूल्हा, अगर आपको बैक से हटाना कितना हटाना वो आप अपने हिसाब से हटा सकते हैं, कितना लगाना किस तरीके से लगाना वो अपने तरीके से देख सकते हैं। बाकी साइज़ जो रखने आपको ये देख सकते हैं जैसे कि हमारे 600 mm का चूल्हा जो 24 इंची होता है, अगर आपको mm के बारे में नहीं पता 24 इंची को 600 mm कहते हैं, और आपने देख सकते हैं जैसे 530 जो हमारी इसकी गहराई, इसकी जो गहराई होती है डेप्थ होती है उस तरीके से आपको देखना है। और इसके जो आपको रखना है ये आप देख सकते हैं जो इसकी चौड़ाई और लंबाई इस हिसाब से होती है। आपको जो पत्थर काटना है यहाँ से साइज लेना आपको, जैसे ये 18.5 है या 19 है आपका जैसे गोलाई के हिसाब से, तो आपको जो कटिंग करनी है इस तरीके से करनी है। और ये देख सकते हैं इसमें जैसे आपकी चौड़ाई में जैसे कि 21-22 इंची जो भी आ रहा है आपका, तो आपको कितना करना है 22.5 यानी कि एक्स्ट्रा साइज करना पत्थर में, 2 सूत फालतू करना आपको। ये देख सकते हैं ये 22.5 या 22 इंची आपका इस तरीके से कटिंग करना होता है। 22 इंची आप मान के चलो 19.5 इंची आपकी गहराई, तो 22 साढ़े 22 इस तरह के चल जाता साइज, और इसमें ज़्यादा लूज रहता है तो वो हिलता रहता है चूल्हा, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको तो दोस्तों जैसे आपको साइज़ छोड़ना है तो ये आप देख सकते हैं जैसे पेंट्री यूनिट बनाना तो इसमें जो साइज़ छोड़े जाते हैं 600 mm इस तरीके से अपने 2 फीट का 600 mm छोड़ सकते हैं। और इसमें जैसे आपको बास्केट लगानी जैसे बड़े बर्तनों के लिए तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो आपको साइज छोड़ना है कम से कम आपका 22.5 होना चाहिए 23 इस तरीके से साइज छोड़ने। इसके बाद जैसे आपको पैंट इसमें अपना जैसे कटलरी लगाना ये हमारा रहता है जैसे 28.5 रहता है इसका स्पेस जो बनाया जाता है इस तरीके से बनाना आपको, जैसे कि आपका चौड़ाई होती है 750 तो उसको आप जैसे बास्केट लगनी है तो उस हिसाब से रखना आपको। फिर अपना बोतल पुल आउट ये अपना 9 इंची जगह छोड़ी जाती है, और ये अपना जैसे एस क्राउजर लगाना तो ये आपकी 42 इंची जगह होनी चाहिए, 44 इंची है इसमें, तो इसमें अपना एक्स्ट्रा साइज है 2 इंची इस तरीके से छोड़ना। और ये जो आपको जो डोर्स की जगह छोड़नी है ये अपनी 20 इंची होनी चाहिए, 20 इंची 21 इंची चल जाती है, 19 इंची से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका ये पेंट्री यूनिट है और इधर अपना जैसे ऊपर टॉप आपको जो हाइट रखनी है वो मैं बता देता हूँ। होप वाले चूल्हे की अगर आपको जैसे साइज़ रखने हैं तो आप देख सकते हैं इसमें अपना जैसे साइज़ रखना 22 इंची इस तरह की चौड़ाई होती है, और इसकी जो गहराई रखनी है 19.5 इंची जो हमारी पीछे से बैक नापी जाती है इस तरीके से 19.5 होना चाहिए, और काउंटर का हाइट जो होती है हाइट इसकी 34 इंच होती है, ये अपना देख सकते हैं इस तरीके से नीचे से, और अपना डिज़ाइन पूरा देख सकते हैं किचन किस तरीके से बनती है पत्थर की। और स्लैब जो टॉप होता है उसकी जो गहराई रखनी है आपको इस तरीके से रखनी है 25 इंची 25.5 26 इस तरीके से होती है, और इसमें हाइट जो पीछे टैल की छोड़ी जाती है 27 इंची
इस प्रकार छोड़ सकते हैं, जिसमें बॉक्स जो बनाए जाते हैं टॉप से, जो हमारा काउंटर टॉप होता है उससे 27 इंची, इस प्रकार ऊपर का जैसा ये बनेगा। मैं इसका वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से लगता है किचन बनने के बाद पत्थर में, जो हमारी ये जैसा डिज़ाइन है इसमें, इस प्रकार देख सकते हैं अपना पूरा डिज़ाइन दोस्तों। जैसे आपने ये देखा, इसका जो साइज़ है, जैसे कि ये हमारी जो चौड़ाई 5.5 फुट, जैसा इसकी 9 फुट इस तरीके से होती है किचन का। आपने इसमें डिज़ाइन देखा पत्थर वाली जो किचन बनाई किस तरीके से बनती है, जैसे कि इसमें जो हमने पत्थर लगाया किस प्रकार बनाया इसमें दिखाया आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी तो डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा अच्छा वीडियो फिर लेकर आगे आपके लिए। आप अपना रखिए, क्या अगली वीडियो फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू फ्रेंड।